नमस्कार, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर व कमेंट करें, और मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ठाकुर जी के भोग के लिए, जल जुलनी एकादशी के लिए साबूदाना खीर। जो अंत तक मेरी वीडियो देखते हुए आप ये खीर बनाइएगा, झटपट बन जाती है और सबको बहुत पसंद आएगी। ठाकुर जी के भोग लगाइए, नवरात्रों में बनाइए। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस तरह की टेस्टी भोग के लिए साबूदाना खीर बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1/3 कप हमने यहाँ साबूदाना ले लिया है। सबसे पहले हम साबूदाना को अच्छे से एक बार धो लेंगे और धो करके इसको भिगो के रखेंगे। फ्रेंड्स, साबूदाने को हमने धो लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना सा पानी डाला कि साबूदाना अच्छे से डूब जाए। 1 घंटे के लिए भिगो के ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया हमें साबूदाने को भिगो के रखे हुए और हमने पानी इतना ही डाला था कि साबूदाने डूबे थे। और ये देखिए, अब पानी साबूदाने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और ऐसे देख रहे हैं तो साबूदाना हल्का सा दब रहा है। अब हम खीर बनाना शुरू करते हैं, इन्हें साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है और सबसे पहले हम इस दूध को इस तरह से हिलाते हुए और उबालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ जो मैंने साबूदाना लिया है 1/3 कप, ये हमारा 1/2 लीटर दूध के लिए काफी है। अगर आपको ज्यादा बनानी हो तो आप साबूदाने और दूध की मात्रा बढ़ा करके ज्यादा बना सकते हैं। दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूध में उबाल आ गई है और अब हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे हम कम से कम 5 से 7 मिनट, 10 मिनट सिर्फ दूध को ही अच्छे से उबालेंगे, थोड़ा क्रीमी गाढ़ा करेंगे थोड़ा सा। तो हमें लगभग 10 मिनट आप दूध को मीडियम फ्लेम पे इस तरह से हिलाते हुए उबाल लें। देखिए फ्रेंड्स, लगभग 10 मिनट हो गई है हमें सिर्फ दूध को उबालते हुए और ये देखिए, दूध में हमारे अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी मलाई आने लगी है। अब हम इसमें सबसे पहले शक्कर डालेंगे। साबूदाना लिया 1/3 कप, उतनी ही हम 1/3 कप इसमें शक्कर डालेंगे और साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून किशमिश डालेंगे और 1 छोटी चम्मच चिरौंजी। अब हम इसे फिर से 2-3 मिनट उबलने देंगे, शक्कर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। किशमिश हमने पहले इसलिए डाली कि ताकि हमारी किशमिश दूध में अच्छे से फूल जाए। और अब हम इसी तरह उबलते हुए दूध में ये साबूदाना डाल देंगे और एक उबाल आने देंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में हमारा साबूदाना ऊपर किस तरह से पारदर्शी होकर के और हमारी खीर में ऊपर दिखने लगेगा। ये देखिए किस तरह से साबूदाने ऊपर आने लगे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट इसी तरह मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे ताकि साबूदाना थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो गई है हमें साबूदाना डाल करके उबालते हुए और ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बादाम डालेंगे कटे हुए, 1 टेबल स्पून काजू और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और फिर से 2 मिनट थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, काजू बादाम और इलायची डालने के बाद हमने 2 मिनट और उबाल लिया और हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी और गाढ़ी हमारी खीर हो गई है। अब हम इसे थोड़ी सी ठंडी होने देंगे फिर हम भोग के लिए सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी साबूदाना खीर बन करके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी। किसी भी व्रत के लिए ठाकुर जी के भोग लगाना हो तो आप इस तरह से तुलसी का पत्ता रख के और ठाकुर जी के भोग लगाइए, नवरात्रों में बनाइए, किसी भी व्रत में, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ठाकुर जी के कभी भी हम इसका भोग बना करके लगा सकते हैं और बहुत झटपट बन जाती है। सिर्फ 15 से 20 मिनट में हम ये खीर बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो देखते हुए साबूदाना खीर बनाइए, खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।